जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम को। और इसमें हम हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है वो हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो हम इस मोशन को स्टडी करना चाहते हैं। इस मोशन को स्टडी करते हुए हम मालूम करना चाहते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी, इस मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा, यानी कि एक वाइब्रेशन का जो टाइम है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही हम मालूम करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी और फ्रीक्वेंसी किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। ऐसे ही हम इसमें लिखना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला हम ड्राइव करना चाहते हैं और हम देखेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी और मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आखिर में हम रिलेशन बनाएंगे मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ। तो सबसे पहले हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इसका फार्मूला हम बनाते हैं। हमने डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन जो होता है वो इक्वल होता है माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, और ये हम वेरी फर्स्ट लेक्चर में ये फार्मूला बना चुके हैं। वेरी फर्स्ट लेक्चर जो था इस चैप्टर का उसमें हमने फार्मूला बनाया था a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। और दूसरा फार्मूला हमने इससे पिछला जो लेक्चर था, लेक्चर 3 जो था इस चैप्टर का, उसमें हमने फार्मूला बनाया a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये बेटा दोनों फार्मूले जो हैं वो एक्सेलरेशन के ही, इनको हम कंपेयर कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट को बराबर हम रख लेते हैं। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन से खत्म हो गया और ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ गया के ओवर एम। तो स्क्वायर रूट लिया दोनों साइडों पे तो ओमेगा बराबर आ गया के ओवर एम स्क्वायर रूट। इसका मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम। अगर मास 4 टाइम्स हो जाए तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो हाफ हो जाएगी, और अगर के डबल हो जाए तो 2 स्क्वायर रूट टाइम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर के 4 टाइम्स हो जाए तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट जो है उसको चेंज कर, स्प्रिंग की नेचर पे डिपेंड करता। अब हम मालूम करना चाहते हैं टाइम पीरियड। तो बेटा टाइम पीरियड जो होता है वो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन होता है, और हमें पता है एक कंप्लीट वाइब्रेशन जब होती है तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/T, क्योंकि ओमेगा जो है वो होता है θ/T, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर एक कंप्लीट ऑसिलेशन होती है तो टोटल एंगल जो कवर होता है वो 2π कवर होता है, और उसमें जो टाइम लगता है टी उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी। तो ओमेगा हम लिख सकते हैं 2π/T। तो टी फिर किसके बराबर आ जाएगा, टी को इधर ले जाओ, ओमेगा को इधर डिवाइड कर दो, तो टी बेटा बराबर आ जाएगा 2π/ओमेगा। और ओमेगा क्या है, के ओवर एम स्क्वायर रूट, के ओवर एम स्क्वायर रूट अभी हमने मालूम किया है। तो के ओवर एम स्क्वायर रूट हमने लिखा यहां पे, तो एम ऊपर चला गया, एम ओवर के स्क्वायर रूट बन गया। तो टी इज इक्वल टू 2π/m/k√। दिस इज फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम डिपेंड्स अपॉन मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। इफ द मैस ऑफ ऑब्जेक्ट
is doubled. The time period is increased to 2 square root times. So the mass of object becomes 4 times. The time period will become double. Also, it depends on K, that is spring constant. If the value of spring constant is doubled, the time period will reduce to 2 square root times. तो इस तरह से आप टाइम पीरियड का रिलेशन देख सकते हैं मैस के साथ और के साथ. नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी. अगर टाइम पीरियड का पता चल गया है तो फ्रीक्वेंसी का पता भी चल जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. तो एफ को हम लिखते हैं 1/T, साइकल्स पर सेकंड, 1/T. तो 1/T जो है, टी की वैल्यू हमने अभी मालूम की है 2πm/k के रूट. तो ये वैल्यू यहां लिख दी तो k ऊपर चला गया, k/m हो गया 1/2πk/m स्क्वायर रूट. दिस इज फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड अगर डबल हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. तो आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए और एमसीक्यू के लिए इसको आपने याद रखना है इन फार्मूला को. नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ मास एम इज, ये हमने फार्मूला बनाया था जनरल फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी. और ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं अब हम, के ओवर एम स्क्वायर रूट. ओमेगा हम डायरेक्ट तो मालूम नहीं कर सकते, मुश्किल काम है. तो आसान काम क्या है, के ओवर एम स्क्वायर रूट. के स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दिया होगा, हम मालूम भी कर सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिकली मालूम हो जाता है. मैस स्प्रिंग सिस्टम में आप क्या करो, मैस उसके साथ हैंग करो स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो कितना वेट आपने उसका लगाया है, एफ के एफ इज इक्वल टू होता है ना के एक्स, तो के बराबर आ जाता है एफ ओवर एक्स. तो वेट, फोर्स वेट की हो जाएगी एम जी के बराबर, नीचे एक्स है कितना स्ट्रेच हुआ है, तो वहां से के निकल आता है सारे. और एम जो है, जो मैस आपने हैंग किया वो भी आपको पता होगा कितना मैस हैंग किया, तो के ओवर एम इजली मालूम हो सकता है. किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप एक्स मालूम कर सकते. अगर टाइम अगर जीरो है तो साइन जीरो क्या होगा, जीरो हो जाएगा. अगर टाइम है, टाइम पीरियड के बराबर हो जाता है टी के बराबर, तो फिर भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं. तो इस तरह आप यहां से फार्मूले से अगर आपको के का पता हो, एम का पता हो, टी का पता हो और एक्स नॉट का पता हो तो आप एक्स मालूम कर सकते हैं. नेक्स्ट बेटा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. हमें पता है फार्मूला हमने पढ़ा है v = ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट. ओमेगा की जस्ट वैल्यू लिख दो के ओवर एम स्क्वायर रूट. इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो, स्क्वायर रूट के अंदर सारा कुछ लिख लो, एक्स नॉट स्क्वायर को कॉमन लिख लो, ज्यादा अच्छा फार्मूला बन जाएगा. एक्स नॉट स्क्वायर बाहर आ गया कॉमन, 1 - x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर बन गया. x नॉट स्क्वायर यहां से कॉमन हुआ ना, तो यहां इधर डिवाइड भी तो करना पड़ेगा. x नॉट x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर हो गया. अब इसमें x नॉट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x नॉट स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. ये फार्मूला भी आपने याद रखना है, v = x नॉट k ओवर m * 1 - x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट. मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगी बेटा, मीन पोजीशन पे. मीन पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी होगी. एक्स जीरो पुट करो ना जरा यहाँ पे स्क्वायर सेवन में, एक्स जीरो पुट किया तो ये टर्म जीरो होगी, 1 - 0 1 बचा, तो के ओवर एम स्क्वायर रूट इंटू एक्स नॉट. दिस इज फार्मूला ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट. एक्स नॉट एम्पलीट्यूड है, के ओवर एम स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर. मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी बेटा, मिनिमम वेलोसिटी होगी एक्सट्रीम पोजिशन पे, यहाँ पे x इक्वल होता है x नॉट के. तो इस फार्मूले में इक्वेशन नंबर 7 में जहां पे x लिखा है वहां पे आप लिख देंगे x नॉट. तो x नॉट ओवर x नॉट कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो 1 - 1 हो गया, k ओवर m और स्क्वायर रूट बाहर x नॉट वैसे ही. 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है, तो वेलोसिटी क्या होगी, 0. अब आप रिलेशन बना सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के.
इक्वेशन 8 को यूज करो 7 में. ये इक्वेशन 8 हमने बेटा बनाई है, v नॉट इज इक्वल टू x नॉट k ओवर m स्क्वायर रूट. मतलब x नॉट k ओवर m स्क्वायर रूट जो है वो v नॉट के बराबर होता है. अगर इक्वेशन 7 को देखो, x नॉट k ओवर m का जो स्क्वायर रूट है इसको आप कह सकते हो v नॉट 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर. इसका स्क्वायर रूट तो अलग से रहेगा, लेकिन ये जो टर्म्स है तीन, x नॉट k ओवर m स्क्वायर रूट, ये किसके बराबर है? v नॉट के बराबर है. तो हम इन तीनों की जगह पे v नॉट लिख देंगे और बाकी 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये वैसे ही. अब x की जगह पे 0 पुट करो, x 0 1 x 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो गई, तो 1 आ गई, तो v नॉट आंसर आएगा. v इज इक्वल टू v नॉट मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, कहां? मीन पोजीशन पे. x की जगह पे x नॉट पुट करोगे, x नॉट कैंसिल, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. तो ये जो आज का लेक्चर था बेटा, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी आपकी हेल्प करेगा. ये सारे फार्मूले आपने जुबानी याद रखने हैं, शार्ट क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेगा, उसके अलावा एमसीक्यूज में आपकी हेल्प करेगा, और उसके साथ साथ ये एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए वो कहेगा कि टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इनके फार्मूले ड्राइव करो. तो आप मैस स्प्रिंग सिस्टम को अगर वो कहता है डिस्कस करो डिटेल में, उसके पैरामीटर सारे फाइंड करो, तो आप इस जो आपके पास ये टॉपिक है इसको आप लिख देंगे. सारी चीज़ें आप मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए फाइंड आउट करेंगे, इनको आपने याद रखना है. अल्लाह हाफिज़.